अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। मंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन। लोकसभा आयोग द्वारा निकाली गई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016, जिसकी परीक्षा जुलाई 2017 में हुई तथा परिणाम फरवरी 2018 में आया, वह अप्रैल तक चार विषयों उर्दू, पंजाबी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की नियुक्ति भी हो गई। इसी बीच कुछ अभ्यर्थी कुछ प्रश्नों पर आपत्ति को लेकर उच्च न्यायालय चले गए और नियुक्ति प्रक्रिया पर स्थगन आदेश ले आए, जिस कारण शेष रहे चार विषयों हिंदी, संस्कृत, गणित और अंग्रेजी के अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए। प्राध्यापक भर्ती 2015 के अभ्यर्थियों को भी कोर्ट में मामला जाने के कारण न्यायालय के निर्णय के अधीन रखते हुए नियुक्ति दी गई। उसी प्रकार हमें भी न्यायालय के निर्णय के अधीन रखते हुए नियुक्ति दिलाई जाए। शिक्षक भर्ती के चयनित यहाँ जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी भर्ती 2016 जुलाई के अंदर निकली थी, जुलाई 2017 के अंदर इसका एग्जाम हुआ और अप्रैल 2018 के अंदर चार विषयों के कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। शेष 7,000 अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारे कुछ साथी कुछ प्रश्नों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लेके आए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे को जब तक मामला कोर्ट में लंबित है तो हमारे को कोर्ट के निर्णय के अधीन रखते हुए नियुक्ति दी जाए।